हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूको बैंक के प्लेटिनम डेबिट कार्ड को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास में प्लेटिनम वेरिएंट का कोई भी डेबिट कार्ड है, चाहे तो वो वीजा हो, चाहे तो वो मास्टर हो, चाहे तो वो रुपए हो, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में इस कार्ड के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके साथ साथ फीचर्स, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वेल दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यूको बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। दोस्तों, काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है दोस्तों, कि हमारा पैसा यूको बैंक में सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यूको बैंक ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं, सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं, और DICGC के अंतर्गत आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है दोस्तों। यानी कि अगर कोई भी बैंक डूब जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों, काफी सारे लोगों का कमेंट ये भी आता है कि सर, हम माइनस बैलेंस को हटाएं कैसे, यानी कि हमारे खाते में इतना माइनस बैलेंस है, 4,000 है, 5,000 है, 2,000 है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने बैंक में, यानी कि अपने ब्रांच में विजिट करना होता है और ब्रांच मैनेजर से बात करना होता है। इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन लिख करके देना होता है। इसके साथ साथ उनको ये भी बताना पड़ता है कि सर, कोई भी बैंक निगेटिव बैलेंस नहीं रख सकता है, इसलिए आप अपना माइनस बैलेंस हटाएं, नहीं तो हम दूसरे बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे और वहां पर मैं उस अकाउंट से सारे के सारे ट्रांजेक्शन करूंगा, तो आपका जो माइनस है वो हट जाएगा। अब दोस्तों, हम आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यूको बैंक प्लेटिनम डेबिट कार्ड सेविंग्स अकाउंट्स, इसके अलावा करंट अकाउंट्स होल्डर को, सभी को प्रोवाइड करता है। इसमें ये नहीं है कि मेरा सेविंग्स अकाउंट है, SB अकाउंट है, तो मुझे प्लेटिनम डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। काफी बड़े लेवल का सेविंग्स अकाउंट चाहिए प्लेटिनम डेबिट कार्ड लेने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपका अकाउंट यूको बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, तो आप प्लेटिनम डेबिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं और आप प्लेटिनम डेबिट कार्ड ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इस कार्ड पर एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिल जाता है पर क्वार्टर, यानी कि एक बार आप लोगों को फर्स्ट एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल जाता है पर क्वार्टर दोस्तों। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा फीचर्स है प्लेटिनम डेबिट कार्ड का। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख रुपए तक देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, इस कार्ड को आप इंटरनेशनल पर यूज करते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सक्लूसिव ऑफर्स देखने को मिल जाता है, डिस्काउंट्स देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फीचर्स है प्लेटिनम डेबिट कार्ड का। बात करें दोस्तों इस कार्ड के लिमिटेशंस की, तो आप इस कार्ड से 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 1 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें इस डेबिट कार्ड के सर्विस चार्जेस को, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को AMC, इसके अलावा इश्यूएंस चार्जेस, रिप्लेसमेंट फीस, यहाँ पर आप लोगों को ओनली 300 रुपीज प्लस GST देना होता है, यानी कि टोटल 354 रुपए हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है, जो कि इस कार्ड का फीस होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डुप्लीकेट पिन जनरेट करवाते हैं, यानी कि अगर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर पर आता है डुप्लीकेट पिन, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 60 रुपए प्लस GST डुप्लीकेट पिन पर चार्जेस देना होता है, जो कि आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। बात करें दोस्तों, अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की, तो आप इनके ओन बैंक के ATM से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 10 बार कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दूसरे बैंक से 5 बार कर सकते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसके साथ साथ ही दोस्तों, मेट्रो सिटी से आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इनके ओन बैंक के ATM से पैसे निकालते समय ट्रांजेक्शन लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, यानी कि आप 10 बार से 11 बार कर देते हैं, 12 बार कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 11 रुपए प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 6 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है पर ट्रांजेक्शन दोस्तों। वहीं पर दोस्तों, अगर आप दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते समय लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 5 बार आप निकाल सकते हैं दूसरे बैंक के ATM से, मेट्रो सिटी से आप 3 बार निकाल सकते हैं, तो यहां पर अगर आप 4 बार निकाल लेते हैं या फिर 5 के बजाय 6 बार, 7 बार निकाल लेते हैं, तो ऐसे केसेस में पर ट्रांजेक्शन आप लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 21 रुपीज प्लस GST चार्जेस देना होता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 10 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। तो
तो दोस्तों यही था यूको बैंक का प्लेटिनम डेबिट कार्ड। आशा करता हूं कि यूको बैंक के प्लेटिनम डेबिट कार्ड के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन था, डाउट था, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।